यहाँ ऊंट महोत्सव भी होता है। महर्षि कपिल की तपोभूमि श्री कोलायत बीकानेर से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। श्री कोलायत का सुरम्य सरोवर व उसके 52 घाटों के साथ ही पास में बने सभी मंदिर बेहद सुंदर है। यहाँ प्रतिवर्ष कार्तिक माह की पूर्णिमा को भव्य मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं। मरु प्रदेश का नैसर्गिक सौंदर्य गजनेर में देखने को मिलता है। बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर जैसलमेर रोड पर स्थित गजनेर में झील, महल, वन्य जीव अभयारण्य, अप्रवासी पक्षियों का कलरव तथा तालाब में किलकारियां करते पक्षियों के झुंड बरबस ही राहगीरों का ध्यान आकर्षित करते हैं। बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर स्थित देशनोक का करणी धाम अपनी धार्मिक महत्ता, स्थापत्य कला तथा काबों के कारण विश्व प्रसिद्ध है। हर वर्ष देश विदेश से यहाँ हजारों श्रद्धालु पहुँचते हैं। प्रतिवर्ष नवरात्रा में 9 दिन तक भव्य मेला लगता है। देशनोक की ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता के मद्देनजर राज्य सरकार यहाँ पैनोरमा का निर्माण कर रही है। बीकानेर से 7 किलोमीटर दूर स्थित देवी कुंड सागर तालाब तथा ऐतिहासिक महत्व के मंदिरों की श्रृंखला के कारण रमणीय स्थल है। इसके पास ही पूर्व बीकानेर राजघराने की छतरियां शिल्प तथा सौंदर्य में अद्भुत है। इस वक्त हम बीकानेर के आचार्य तुलसी के समाधि स्थल पर हैं। बीकानेर शहर के उपनगर गंगा शहर में स्थित तुलसी समाधि स्थल भी अपार श्रद्धा का स्थान होने के साथ ही स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है। आचार्य तुलसी 13 धर्म संघ के 9वे आचार्य थे। उन्हें एक क्रांतिकारी संत के रूप में जाना जाता था। आचार्य तुलसी जन जन के संत थे। उन्होंने जनता में अहिंसा, नैतिकता, मैत्री, करुणा, सद्भावना, सांप्रदायिक एकता को बढ़ाने का प्रयास किया। कोडम देसर बीकानेर से लगभग 24 किलोमीटर दूर बीकानेर जैसलमेर रोड पर स्थित कोडाना भैरवनाथ का ऐतिहासिक मंदिर तथा तालाब है। भैरव जी की विशाल प्रतिमा तथा संगमरमर का कार्य अत्यंत सुंदर है। विभिन्न जातियों के लोग जात झड़ूरा के लिए कोडम देसर जाते हैं। इसके अलावा शिवबाड़ी का ऐतिहासिक भगवान लालेश्वर जी मंदिर, नागणेची जी मंदिर, पवनपुरी आदि श्रद्धा व भक्ति के महत्वपूर्ण स्थल है। जानना चाहता हूँ कि बीकानेर को अगर कोई किसी नज़र से देखे, बीकानेर को किस तरह से देखना चाहिए, टूरिस्ट अगर वो बीकानेर घूमने आता है किस रंग में, किस नज़र से शहर को देखे? देखिए, मेरा मानना है कि 531 वर्षों का इतिहास अपने अंदर समेटे हुए
बीकानेर सांप्रदायिक सौहार्द और अपनापन की जो मिसाल यहाँ जो है वो मेरे हिसाब से पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। मरहूम शायर अजीज आजाद साहब ने कहा होगा कि मेरा दावा है सब जहर उतर जाएगा, मेरा दावा है सब जहर उतर जाएगा, दो दिन मेरे शहर में ठहर कर तो देखिए। और यहाँ के प्रख्यात साहित्यकार हुए लक्ष्मी नारायण रंगा, वो कहते हैं कि बीकानेर की संस्कृति सबका साझा सिर, बीकानेर की संस्कृति सबका साझा सिर, दाऊ जी मेरे देवता और नौगजा मेरे पीर। पर्यटकों का स्वागत पावनों की तरह किया जाता है। यहाँ आने वाला प्रत्येक देशी पर्यटक हो चाहे विदेशी पर्यटक हो, कहते हैं कि मेहमान जो होते हैं वो ईश्वर का रूप होते हैं, और बिल्कुल उसी तरह से बीकानेर विदेशी मेहमान हो चाहे देशी मेहमान हो, उनकी आवभगत करते हैं।